व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर धारुण्या पर। तो भाई आप सब इस चीज को जरूर जानते होंगे, इसे बोला जाता है ड्रिल चक। तो भाई आप सभी को मैंने एक वीडियो बनाकर दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ड्रिल मशीन बनाकर दिखाया था और उस ड्रिल मशीन के सामने की साइड मैंने जो चक लगाया था वो मार्केट से लाने के बाद में लगा दिया था। तो आप सभी की कमेंट साइड थी कि यार विशाल भाई कुछ जुगाड़ बताओ, कुछ ऐसा आइडिया बताओ कि हम घर पे चक बना सके। तो भाई आप सभी की इतनी ज्यादा कमेंट्स आ रही थी कि यार विशाल भाई कुछ ऐसा आइडिया बताओ कि हम चक को घर पे बना सके और मार्केट से ना ले, क्योंकि काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था वाला। तो फ्रेंड्स आज इस वाली वीडियो में इस चक को बनाकर दिखाने वाला हूं सभी को और इसको बनाने वाला हूं नट बोल्ट के द्वारा। मैं आपको सिंपल तरीके से मैं आपको पूरा इसको बनाकर दिखाने वाला हूं, तो आप घर पे भी बना सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी आप सभी को तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते फटाफट अपने स्टूडियो के अंदर। चलो तो भाई ड्रिल चक बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक नट बोल्ट की जरूरत पड़ने वाली है और आप ये किसी हार्डवेयर की शॉप से खरीद लेना, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि हम किसी गाड़ी में से निकाल लेंगे तो यार रियली में घर वाले आपको पीट देंगे, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो मोटर है, यहाँ पर मैं 720 मोटर का यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई सी मोटर का यूज़ कर सकते हो जो आपके पास हो। और हमारी जो मोटर है उसकी शाफ्ट को हम यहाँ पर सबसे पहले मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 720 मोटर का जो शाफ्ट होती है वो 5 mm का होता है और यहाँ पर मैं एक 5 mm का बीट ले लेता हूँ इसमें होल करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारा बोल्ट है इसका मिडल पॉइंट निकालना होगा। तो यहाँ पर हमारे 6 points होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर इनको हम मिलाने के बाद में इसका मिडल पॉइंट निकाल सकते हैं और इसके अंदर हमें बिल्कुल बीच में मिडल पॉइंट में एक होल करना होगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप किसी लेथ मशीन वाले से जा सकते हो और वहाँ पर करवा सकते हो बिल्कुल मिडल पॉइंट में। अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ना तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ये ड्रिल चक। और आप बोलोगे कि विशाल भाई हमारा तो चल ही नहीं रहा, हमारा तो ये डांस कर रहा है बिल्कुल हमारा बीट, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा है कि इसका हेड को भी थोड़ा चिकना कर दिया अच्छे से और यहाँ पर जो थ्रेड दिख रहे हैं आपको, इस थ्रेड के अंदर यहाँ पर मैं हेक्सा ब्लेड से कट लगाने के बाद में इसके 4 हिस्से कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसमें कट लगा दिया इस टाइप से और कट लगाने के बाद में यहाँ पर ऊपर का जो मुँह है इसके मैंने यहाँ पर 4 भाग कर दिए इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 भाग हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो मोटर है, इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर हमारे इस बोल्ट को हम लगा देंगे, ठोक देंगे इस टाइप से और यहाँ पर जो होल था हमारा इतना बड़ा था कि अंदर फंस जाए। अब यहाँ पर हमारी मोटर है, इसको हम पावर देंगे और इस बोल्ट को हम आगे तो थोड़ा टेपर में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइल का यूज़ कर रहा हूँ और जल्दी काम करने के लिए ग्लैंडर का यूज़ करूँगा। तो फाइनली हमारा जो यहाँ पर बोल्ट है वो आगे से टेपर में हो चुका है, मतलब आगे से थोड़ा मैंने इसको घिस दिया आगे से, मतलब आप समझ सकते हो कि टेपर का मतलब क्या होता है, इसमें जो वीडियो में दिख रहा है उसे टेपर ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा नट है उसको लगा देंगे। एक वाइसर ले लेता हूँ यहाँ पर मोटी साइज का और इसका जो बीच में होल है वो हमारे जो बोल्ट है उससे थोड़ा छोटी साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको इस टाइप से रखेंगे और रखने के बाद में हमारा जो नट है इसके ऊपर हम अस्थायी रूप से इसको यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपका देंगे और चिपकाने के बाद में इसको निकाल लेंगे बाहर और निकालने के बाद में यहाँ पर वेल्डिंग करना होगा इन दोनों को आपस में। तो अगर आपके पास वेल्डिंग मशीन नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, किसी मिस्त्री के पास जा सकते हो, वो 5-10 रुपये में आपकी वेल्डिंग कर देगा अच्छी तरीके से। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर वेल्डिंग भी हो चुकी है और इसके बाद मैंने इसे ग्लाइंडर से घिसने के बाद में जो पहले था उसी टाइप का यहाँ पर बना दिया है। और आप देख सकते हो पीछे की साइड में बड़ा सा होल है और आगे की साइड में इसमें छोटा सा होल है, जो कि इसको क्या करेगा, ऊपर से जो हमने 4 हिस्से करे हैं और जो टेपर में किया है उसके ऊपर दबाएगा और इसको मतलब आपस में जकड़ लेगा, ठीक है। जैसे हमारा जो बीट है ये आपस में पकड़ लेगा, जो हमारा ड्रिल बीट काम करता है, मतलब ड्रिल बीट नहीं ड्रिल चक जो काम करता है उसी टाइप से काम करने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसको मैं टाइट करता हूँ तो ये जो चारों भाग ये आपस में मिल जाते हैं और जब मैं ढीला करता हूँ ये वापस फैल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बीट है इसको हम रखेंगे और इस टाइप से हम दबा देंगे, मतलब इसको गोल गोल घुमा देंगे तो ये हमारा ड्रिल बीट को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर मैं 2 mm का जो हमारा ड्रिल बीट है उसको यहाँ पर लगाता हूँ, देख सकते हो ये ढीला है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें प्लार जो होता है या फिर पानी जो होते हैं उसके द्वारा इसको अच्छे से टाइट हमें कसना है। हाथ से भी कस सकते हैं लेकिन हाथ से क्या है कि वो बाद में हमारा जो बीट है स्लिप कर सकता है, तो हम इसको अच्छे से टाइट कस देंगे। और नया बनाया है तो इसके अंदर आप ग्रीस या फिर ऑयल डाल सकते हो ताकि ये अच्छे से काम कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको अच्छे से फंसा दिया है और यहाँ पर देख सकते हो ये बाहर निकलने वाला नहीं है और बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से टाइट कस दिया है, तो इसने अब इसको बीट को जकड़ लिया है यहाँ पर।
अब यहाँ पर मैं 5 mm का भी इसके अंदर लगा के दिखा देता हूँ आपको, और इसको भी अच्छी तरीके से हम टाइट कर सकते हैं। तो इसमें हम जो छोटी साइज का बीट है वो भी लगा सकते हैं और बड़ी साइज का बीट है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मैक्सिमम इसमें 5 mm का जो बीट है वो हम लगा देंगे, और हम कम से कम इसमें 2 mm का जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जो छोटे मोटे काम होते हैं वो आसानी से हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें 5 mm से बड़ा लगाना है तो उसमें आप बड़ा होल करवा सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो इसको, ठीक है। मैंने एक आपको आइडिया दिया है, और देख सकते हो कि जो हमारा बीट है अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रहा है, और हमारे होल भी अच्छी तरीके से हो रहे हैं इसके अंदर। और हमारे जो बीट है अगर ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज भी कर सकते हो, दूसरा बीट भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, ये आसानी से बन भी जाएगा आपके लिए। तो आप इसको घर में बनाने की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए आप। तो भाई कैसा लगा आप सभी को ये वाला वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इसी टाइप की नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बड़े।